हरियाणा में एक बार फिर से इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 7 जिलों में इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया गया है। 24 फरवरी यानी आज रात 12 बजे तक ये पाबंदी बढ़ा दी गई है। अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल जी में इंटरनेट बंद रहेगा, तो वहीं हिसार फतेहाबाद और सिरसा में भी इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। आज रात 12 बजे तक के लिए एक बार फिर से इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। किसान आंदोलन को देखते हुए एक बार फिर से इन 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में बैन पर जो इंटरनेट बैन था उसको बढ़ा दिया गया है। लगातार किसान आंदोलन पर आमता है किसान, तो इसी बीच सरकार ने एहतियातन एक बार फिर से इंटरनेट पर बैन की अवधि को बढ़ा दिया है। आज रात 12 बजे तक पाबंदी बढ़ा दी गई। उधर किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के किसानों को कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि पंजाब के किसान अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। पंजाब के किसानों को वो सब नहीं मिल रहा जो हम दे रहे हैं। आज किसान समझते हैं कौन सी सरकार हितैषी है। पंजाब के किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं, एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हरियाणा के किसानों को कोई समस्या नहीं है, ये पंजाब के किसान हैं जो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। पंजाब के किसानों को वो सब नहीं मिल रहा जो हम दे रहे हैं। आज किसान समझते हैं कौन सी सरकार हितैषी है। हमारे यहाँ किसान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब के किसान अपनी दर्द को वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। उनको किसानों को प्रदेश के नाते वो चीजें भी नहीं मिलती जो हम यहाँ दे रहे हैं। उनके दर्द के साथ ही मिलकर के खड़े होना चाहते हैं, जबकि किसान उनको पूछता नहीं है। आज किसान समझ गया है कि कौन हितैषी सरकार हमारी है। करनाल से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से काम शुरू होगा। फेज 2 में 170 करोड़ रुपए की लागत से फिर से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की सौगात भी सीएम की तरफ से दी गई है। यूनिवर्सिटी में 33 करोड़ की लागत से प्राइवेट वार्ड बनाया जाएगा। खानपुर मेडिकल कॉलेज में भी तीसरे फेज का निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं रोहतक पीजीआई के प्राइवेट वार्ड की शुरुआत होगी। सफीदों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज के लिए भी नींव पत्थर रखा गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्षेत्र के अंदर समय समय पर बड़ी बड़ी योजनाएं एक साथ हमने पहले भी की हैं। अभी यमुनानगर में मई 2023 में 46 संस्थान, उनका उद्घाटन एक साथ किया था। उसका भी 229 करोड़ रुपए की लागत आई थी। एक साथ बहुत सी व्यवस्थाएं वहां दी गई थी। इस बार हमने बजट भी कल ही जो बजट की घोषणा की है, स्वास्थ्य के नाते से 24% की बढ़ोतरी करके और ये 9,500 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस बार किया है, ताकि हमारे इलाज के नाते से इन व्यवस्थाओं में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक योजना और हमने शुरू की, निरोगी योजना। आयुष्मान तो है, जब बीमार हो जाए इलाज के लिए व्यक्ति संस्थान में हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होता है, उसका खर्च उसको नहीं करना पड़ता 5 लाख रुपए तक। लेकिन निरोगी योजना यह है कि थैंक यू, संदीप पाठक जी, आतिशी जी, सौरभ। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलायंस को
लेकर बड़ी घोषणा दोनों की तरफ से की जा सकती है। किन सीटों पर, किन राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत बनी है, आप और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंदर सिंह लवली जी, जहां दिल्ली चंडीगढ़ समेत चार राज्यों में अलायंस को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही, और आपको इस बात की जानकारी है कि दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ, उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को एक सीट लोकसभा की खजुराहो ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई, और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे, और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा